देखिए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं विजयी होगी, लेकिन लग जाता है ब्यूटी बट मतलब इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी भाजपा को हराना चाहती, बहुजन समाज पार्टी भी भाजपा को हराना चाहती, ओवैसी साहब भी भाजपा को हराना चाहते, कांग्रेस भी भाजपा को हराना चाहती, किसान भी भाजपा को हराना चाहता, जवान भी भाजपा को हराना चाहता, लेकिन ये सब के सब अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग और अपना अपना एजेंडा है, इसलिए भाजपा वहाँ नहीं हारेगी। भाजपा को आप हराना, हराने वालों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन वो बुरी तरह बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। यही कारण है कि चुनाव जो संकेत मिल रहे हैं, मैं कोई मैंने ज्योतिषी नहीं हूँ, संकेत ये मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में यदि यही स्थिति रही जो इस समय, हालांकि स्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति है, राजभर साहब का अपना राग है, बहन जी का अपना है, और कई और वो आपके एएसपी का अपना मामला है, बीएसपी का अपना, सपा का अपना, कांग्रेस का अपना, उधर ओवैसी साहब का उछल कूद जारी है, उधर अयूब साहब का उछल कूद जारी है, कई और छोटी छोटी पार्टियां कर रही हैं महागठबंधन, कुल मिलाकर ये बिखराव अगर रुकेगा तभी आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। और अगर आप बिखरे रह गए तो बिल्कुल नो डाउट के योगी आदित्यनाथ जी फिर से वापसी करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समुदाय को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उनके हकों की बात करने के लिए लगातार वो कहते हैं कि हमारी पार्टी मुस्लिम समुदाय के हकों की बात करेगी, और अब वो भी बीजेपी की राह पे चल गए, बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं, बाहुबलियों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। नहीं, क्यों मुस्लिम के हक की बात करेंगे, फिर बाकी जो मेजोरिटी आबादी है उसके हक की बात क्यों नहीं करेंगे? तो सबके अधिकार की बात होनी चाहिए देश में। देखिए, जब तक सब शब्द नहीं आएगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी 7 साल मोदी जी सत्ता में है, इसी नारे पर सबका साथ सबका विकास, काम क्या किया ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नारा, आपका नारा ही गलत हो जाएगा तो काम से मैंने काम के लिए अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। मोदी जी पर जो भरोसा हुआ लोगों का, मोदी जी पर जो भरोसा देश का बढ़ा, भाई भरोसा बढ़ा तभी सत्ता में आए, वो इनके नारे से बढ़ा। राजनीति में सीखना चाहिए, अपने शत्रु से भी सीखना चाहिए। आपके शत्रु हैं मोदी जी, योगी जी, भाजपा, तो उन पार्टियों से मैं कहता हूँ जिनके शत्रु हैं भारतीय जनता पार्टी, आप सीखते क्यों नहीं? कुछ नहीं सीख सकते तो उनके नारे को सीख लीजिए कम से कम, कि आप मुस्लिम हितों की बात, दलित हितों की बात, बात ये समाज के अंदर हो सकती है, राजनीतिक मंचों पर नहीं होती है। फिर तो आपने खाई को बढ़ाने का काम किया, और देश में जो भी खाई को बढ़ाने का काम करे, मैं व्यक्तिगत रूप से लाइक नहीं करता हूँ, मैं समझता हूँ समाज के अधिकांश लोग लाइक नहीं करेंगे, इसलिए बात सबके हित की हो, सबके विकास की हो, सबके शिक्षा की हो, सबके रोजगार की हो, सबके सुरक्षा की हो, सबके तरक्की की हो, तो मज़ा आएगा चुनाव में। और वही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में नकेल कस सकता है, जिसमें आप सर्व समाज, अभी मैं एक बात एडिशनल जरूर कर दूं, बहुजन समाज पार्टी ने जो रणनीति पिछले 1.5-2 महीने से अपनाई है, वो रणनीति ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ दिनों पहले से इस पर काम हो जाता, ऐसे भी सर्व समाज का नारा तो बहन जी ने पहले दे रखा था, लेकिन अब जिस फार्मूले पर वो चल रहे हैं, तो सबकी बात अगर होगी, सर्व समाज की बात होगी और पॉलिसी होगी, कल जब ओवैसी साहब का की आप बात कर रहे हैं, तो कल बहन जी की भी रैली थी, उन्होंने भी बहुत सारी नई बातें कही हैं, उसमें एक बात उन्होंने ये भी कहा कि अब जो मूर्ति उर्ति बनानी थी वो सब हमने बना लिया, अब मैं पार्क वगैरह नहीं बनाऊंगा, अब 5 साल अगर अवसर मिल गया मुझे तो मैं जम के विकास का काम, तो विकास मुद्दा होना चाहिए सबका विकास, चाहे हो चाहे ना हो, ना हो ये तो देखिए किसी न किसी पर तो भरोसा जनता करेगी, जैसे मोदी जी पर भरोसा किया, जैसे योगी जी पर किया, वैसे ही चाहे मायावती पर करें, चाहे अखिलेश पर करें, चाहे किसी पर करें, करना तो पड़ता ही है। अब विश्वास जीतने में सफल कौन होगा, मुद्दा असल ये है, नारे किसके वैसे होंगे, रणनीति किसकी वैसी होगी, जाल कौन कैसा बिछाएगा, और कौन विश्वास जीतने में कितना सफल हो पाएगा, और किसानों के इस मोमेंट को टर्न देने में कौन सफल होगा, ये भी अब बड़ा मुद्दा है। इतना बड़ा जो किसान मूवमेंट चल रहा है भारत में, विशेषकर चुनावी राज्यों में उत्तराखंड, यूपी और पंजाब, ये चुनावी राज्य हैं और यहाँ के किसान अधिकांश हैं, तो इस मूवमेंट को कौन लीड करेगा, कौन सेट करेगा, ये भी डिपेंड करेगा आने वाले चुनाव के नतीजे पर। अगर कोई राजनीतिक दल चतुराई और चालाकी से किसान आंदोलन के अगुआ कर जितने नेता हैं उनको अगर अपने पक्ष में करने में सफलता प्राप्त कर ली, तो वो भी चुनाव को प्रभावित करेगा बहुत हद तक। और रही बात के धार्मिक मुद्दों पर, वो एजेंडा जिसका है वो तो अपना एजेंडा आज भी वो सेट कर ही रहे होंगे कि हम पोलराइज करके किसी तरह से अपनी नैया पार करें, लेकिन आम लोगों को धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। समुचित विकास की बात करने वालों के
पीछे खड़ा होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सोच रहता है कि सबके हित की जो बात करे, आर्थिक मैंने विषमता को पाटने की बात करे, सामाजिक विषमता को पाटने की बात करे, भेदभाव ऊंच नीच को ख़त्म करने की बात करे, और ये जो नया प्रचलन देश में पैदा हो रहा है किसी को भी धर्म जाति के नाम पर, कभी दलितों को, कभी मुस्लिमों को, कभी ईसाइयों को, इनकी मैंने भीड़ तंत्र के द्वारा जो इन पर इन सब चीज़ों पर लगाम लगाने वाली सरकार होनी चाहिए, तब मैं समझता हूँ। लेकिन अब तक एजेंडा उत्तर प्रदेश का साफ नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टियां किस रास्ते पर तेज़ी से बढ़ेंगी। एजेंडा देखिए सामने आने दीजिए तो नतीजा भी अभी बदलेगा, लेकिन अप टू नाउ मैं ये कह सकता हूँ कि अभी भारी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। जो कि बड़ा भाई है, जनसंख्या बड़ी है तो बड़ा भाई है, वो अगर मुसलमानों के साथ हो जाता है, उसका हाथ मुसलमानों के सर पर अगर आ जाता है, आशीर्वाद वाला हाथ, तो ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। इससे हिंदुत्व पर संकट कहाँ? इससे तो हिंदुत्व का चेहरा और बड़ा बनता है, उसका कद बढ़ता है, उसकी इज्जत बढ़ती है और उसका नाम बढ़ता है, देश का भी सम्मान बढ़ता है कि ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक जिसे हिंदू के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक अल्पसंख्यक जिसे मुस्लिम के नाम से जाना, अल्पसंख्यक और भी हमारे यहाँ ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी हैं, लेकिन मुस्लिम का नाम ज़्यादा आता है जब अल्पसंख्यक का नाम आता है। तो अगर उसके सर पर हिंदू का हाथ है, और हिंदू वो कोई भी हो, आपने राकेश टिकैत का नाम लिया, म्यूट कर दिया, ये जो आईटी सेल के लोग अपना कर रहे हैं कर्तव्य, वो कर्तव्य के लिए प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं, वो अकेला आज पहला कर्तव्य उनका नहीं है, अनेकों लोगों के भाषणों को तोड़ मरोड़ कर उसका ऑपरेशन कर कर उसको फिर इन लोग सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ साक्षरता दर अभी भी बहुत कम है, लोग व्हाट्सएप पे भेजे गए उस फर्जी मैसेज को पक्का सच्चा मानकर अपना माइंडसेट फिर तैयार करते हैं और समाज में फिर उसी तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, टोन होता है, और उससे कहीं ना कहीं जो सद्भाव है वो प्रभावित होता है, प्यार मोहब्बत भाईचारा एकता अखंडता को कहीं ना कहीं खतरा महसूस होता है। लेकिन मुजफ्फरनगर में जो नारे लगे हर हर महादेव अल्लाह अकबर राकेश टिकैत, वो राकेश टिकैत के अपने नारे नहीं थे, उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के उस नारे और उनके सहयोगी मुस्लिम लीडर जिनका अब जला जलोना साहब की बात कर रहा हूँ, जालोन या जलोना जिनके नाम से वो जाने जाते हैं, जो इस महापंचायत में उपस्थित थे, ये दरअसल स्वर्गीय टिकैत साहब के साथियों में से, सहयोगियों में से थे, और जब वो दोनों किसान यूनियन उन्होंने बनाया था, वो दोनों साथ काम कर रहे थे, तो जहाँ भी जाते थे तो एक बोलते थे अल्लाह अकबर, एक बोलते थे हर हर महादेव। तो राकेश टिकैत ने, चूँकि मुजफ्फरनगर में 2013 में एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उस दंगे ने हिंदू मुस्लिम के बीच बड़ी खाई पैदा कर दी थी। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो मुजफ्फरनगर वो जगह है जहाँ से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को एक बड़ी ताकत मिला करती थी, जो इस बार महसूस हुआ नरेश टिकैत और राकेश टिकैत दोनों को, पूरे टिकैत परिवार को, कि वो ताकत नहीं मिल रही है, यानी एक वर्ग यानी मुस्लिम हमसे दूर है। ये अच्छा हुआ, किसान की मांग पूरी हो ना हो क्या होगा ये बाद की बात है, लेकिन कम से कम मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई तो भर गई, एक काम तो हुआ इस महापंचायत से। अब आईटी सेल वाले के पेट में दर्द हो, मरोड़ हो या लूज मोशन हो जाए, उससे हमारा या किसी का कोई लेना देना नहीं है, उनका काम है, उनको ड्यूटी मिलती, उनको तनख्वाह मिलता साहब, उनको पैसे मिलते हैं कि कैसे ऑपरेशन करोगे वीडियो का, वीडियो के वो सर्जन होते हैं, वीडियो के स्पेशलिस्ट होते हैं, साउंड को कैसे कट करेंगे, कैसे पेस्ट करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, कैसे प्रस्तुत करेंगे, वो करें अपना काम। मैसेज तो चला गया, आप जैसे सारे चैनल वाले वहाँ मौजूद थे और आपने लाइव टेलीकास्ट किया है, मुझे पता है, मैंने देखा भी, आप सबों को देखा है कि आप लोग लगे हुए थे, कब एक दिन बिफोर से लगे हुए थे और कुछ चैनल वाले एक दिन आफ्टर तक रह गए, यानी ख़त्म हो गया महापंचायत, फिर भी लोगों ने वहाँ की बातें सुनाई हैं, तो देश ने सुन लिया है। अब इनके आईटी सेल के लोग जो दूसरे का सुनना ही नहीं चाहते हैं, अगर वो सुनना ही नहीं चाहते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। एक एक कहानी मैं बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक राजा हुआ करते थे पहले के ज़माने में, जब लोकतंत्र नहीं था तो राजा ना कुछ भी ऐलान कर देता था, तो एक राजा ने ऐलान कर दिया कि अगर दो और दो कितना होता है, दो और दो कितना होता है, यदि कोई हमको समझा देगा तो हम आधा राजपाट उसको दे देंगे। वजीर ने कहा, हुजूर दो और दो तो चार होता, कोई भी समझा देगा। बोला, मूर्ख समझा कैसे देगा,
जब मैं समझूंगा तभी तो समझाएगा, वो बोलेगा दो और दो चार, मैं बोलूंगा मैं समझा नहीं, फिर वो कहेगा दो और दो चार, मैं कहूंगा मैं समझा नहीं। जब तक मैं नहीं समझूंगा तो मैं आधा राजपाट दूंगा नहीं। आज के तारीख में आईटी सेल वालों ने उसी फार्मूले को अपनाया है, दो और दो चार दुनिया जान रही है लेकिन वो कह रहे हैं मैं नहीं मानूंगा। वहाँ अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा था, वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की एक बुनियाद डाली गई थी, उसमें खाद और पानी डाला गया था, उसको मजबूत करने की कोशिश की गई थी। हम बधाई देते हैं उन किसानों को, उन नौजवानों को जो आज भी इस माहौल में, जबकि एक बड़ी शक्ति देश में एकता प्यार प्रेम भाईचारा को ख़त्म करना चाहती है, जहाँ सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहती है, वहीं एक बड़ी आबादी इस देश में है हिंदुओं की। और हाँ, मैं कह सकता हूँ आपके कैमरे के सामने कि भारत के अंदर आज भी अधिकांश लोग सेकुलर माइंड के हैं, प्यार और मोहब्बत को माने चाहने वाले बढ़ाने वाले लोग हैं, यहाँ नफ़रत बढ़ाने वालों की तादाद कम है। इसलिए वो लोग घबराएं नहीं जो इन नफरती गिरोह से डरते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी आबादी आज भी है जो देश के अंदर एकता भाईचारा प्यार और प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको उन ताकतों को आगे बढ़ाना चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और जो लोग इस तरह के लोग हैं जो क्या कहते हैं इस तरह के न्यूज़ को वायरल करते हैं, उनसे मेरी स्पेशल विनती है कि आप दोनों पक्ष को सुनने की कोशिश करें। आप पेड आपने वो सुना होगा कि ट्वीट भी किया जा रहा पैसे ले लेकर, आपने दो दो रुपये, मैं रुपया बताना नहीं चाहता, वो आप लोग को पता है। आप लोगों ने वो भी सुना होगा कि एक बड़ा चैनल भारत का था, अब आजकल वो नंबर वन भी कहने लगा। ये भी एक दुर्भाग्य है कि 8 चैनल भारत में ऐसे हैं जो हर न्यूज़ में बोलता है देश का नंबर वन, तो पहले वो 8 कुश्ती लड़के तय तो करें कि नंबर वन है कौन। बहरहाल आजकल वो चैनल भी बोल रहा, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं उसका भी TRP घोटाला हुआ था, आपको पता है। तो ये गैंग सक्रिय है पैसे के बल पर, और पूंजीपति बनाम गरीब देश में लड़ाई क्या है? रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई की लड़ाई है, स्वास्थ्य और सम्मान और शिक्षा की लड़ाई है, सुरक्षा की लड़ाई है। तो जब विकास के इस रेस की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं तो पूंजीवादियों को ये लगता है कि इससे तो समतामूलक समाज बन जाएगा, इससे तो आर्थिक समानता जब आएगी तो सामाजिक समानता आएगी। आज एक बात कैमरे के ऊपर कहता हूँ, आप लोग मैंने अक्सर दबे कुचलों की आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं, आपको अनुभव हुआ होगा कि आप बहुजन की बाप का नाम भी है बहुजन चैनल, और आप सभी लोग लगभग यहाँ पर जो है वो आवाज़ दबे कुचलों की बढ़ाते हैं। आपको ये अनुभव हुआ होगा कि जहाँ आर्थिक तंगी है समाज में, वहीं भेदभाव के वो समाज के लोग शिकार भी हैं। अगर वो संपन्न हैं, पारिवारिक संपन्न हैं, और परिवार अगर IAS IPS IRS है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या पूंजीपति है, अरबपति खरबपति है, मजाल नहीं है, वो भेदभाव का शिकार होगा, वो कलेजे पे चढ़ के अपनी बराबरी ले लेगा। तो इसका मतलब पूंजीपतियों का इस्तेमाल हो रहा है वो जो मनुवादी सोच है, यानी भेदभाव पर आधारित सोच। मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, वो कहीं भी अगर है तो गलत है। तो मैं वो जो जात के नाम पर जो नफरत करने वाली सोच है, उसकी ये भी ये कोशिश है कि पूंजीवादियों को बल दे दिया जाए ताकि वो सबका पैसा चूस लें, उनके पास पैसे आ जाएं। तो आर्थिक विषमता जब बढ़ेगी तो भेदभाव वाला वो प्रवृत्ति जो है वो फिर से बढ़ेगा। और हम लोगों की और तमाम देश के अधिकांश लोगों की कोशिश है सामाजिक विषमताएँ भी पटनी चाहिए, आर्थिक विषमताएं भी पटनी चाहिए, तब जाकर समता समानता सम्मान से जीने का अधिकार सबको मिल पाएगा। यदि हमने सामाजिक विषमता को पाटने का प्रयास किया और आर्थिक विषमता को पाटने का प्रयास नहीं किया, गरीबों और अमीरों के बीच खाई अगर लंबी हमारी हो गई, किसी के छत पर हेलीकॉप्टर उतरने लगा और उसके बराबर वाले झोपड़ी में कोई अगर भूखा मरने लगा, तो ये भी देश के लिए, देश के विकास के लिए और समाज के लिए बेहतर नहीं होगा।